यस सर, आई एम स्टार्टिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम योर इंग्लिश क्लास टीचर मिस्टर प्रेमचंद सिंह, ट्रेन टीचर। इन दिस क्लास वी विल रीड अ पोएम। Poem's name is Try Again. Before starting the lesson, dear students, you have to keep pen, pencils, notebook and textbook with you. Now I am going to start the lesson. In the starting of the chapter there is chit chat. Before starting the lesson, we start warming up. In warming up, you have chit chat. Chit chat means talking to each other. There are chit chat screen is in front of you. There are many questions on the screen. ये बच्चों क्वेश्चन को आपको आपस में हेलो सर यस हेलो सर हेलो हाँ हाँ बोलिए। चिट चैट जिसमें बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से आइडियाज शेयर करते हैं। मॉडल के तौर पर सम क्वेश्चंस आर गिवेन। व्हाट डू यू लाइक पोएम्स आर स्टोरीज। बच्चों आपको कविताएं पसंद हैं या कहानियां पसंद हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर बच्चे देंगे। सम स्टूडेंट्स सेज दैट दे लाइक पोएम्स, व्हाइल समवन सेज दैट दे लाइक स्टोरीज, समवन आल्सो सेज दैट दे लाइक बोथ पोएम्स आर स्टोरीज। तो बच्चों सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो कोई बच्चा कहेगा कि उसे कविता पसंद है, कोई कहेगा उसे कहानी सुनना पसंद है, तो कोई कहेगा कि मुझे पोयम और स्टोरी दोनों पसंद है। तो बच्चों जो आपकी जो आपको पसंद हो आप बोल सकते हो, एक दूसरे से आइडिया दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स डू यू इंजॉय द मोस्ट। किस प्रकार की कविता आपको ज्यादा पसंद है, किसमें आप ज्यादा आनंद लेते हो। What kind of poems do you enjoy the most? I enjoy, इसका आंसर होता है, कुछ बच्चों को जो अच्छे लय वाली कविता हो जिसमें सुर ताल अच्छा होता है बच्चों उनको पसंद होती है। कुछ बच्चों को डेडिकेटिक पोएम जो उपदेशात्मक होती हैं वो पसंद करते हैं। तो इसका आंसर आपके अनुसार हो सकता है, जिसकी जैसी सोच हो। I enjoy lyrical and dedicated poem. तो ये आप आंसर दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पोएम्स कैन इंस्पायर अस। क्या आपको उपदेशात्मक कविताएं, क्या तुम्हारे अनुसार कविताएं तुम्हें प्रेरणा देती हैं, ऐसी कविता जो आपको प्रेरणा देती हो। यस श्योर, आई डू थिंक दैट पोएम्स इंस्पायर अस। का आंसर हुआ बच्चों, Do you remember any such inspiring poem? क्या आपको ऐसी कोई प्रेरणादायक कविता याद है? Do you think poem can inspire us? Do you remember any such type of poem? क्या आपको कोई ऐसी कविता याद हो जो आपको प्रेरणा देने योग्य हो, जो आपको सीखा हो उससे आपने कुछ? Yes, I remember the inspiring poem. बच्चों बहुत सारी कविताएं आप लोगों ने पढ़ा है जो कि आपको प्रेरणादायक होती हैं। डू यू रिमेम्बर एनी सच इंस्पायरिंग पोयम, क्या ऐसी कोई प्रेरणादायक कविता आपको याद है? आप बोलोगे यस आई रिमेम्बर। व्हेन डिड यू लर्न और लिसन टू इट, आपने इसको कब सीखा और सुना था, आपने कविता को कब सीखा और सुना था।
तो बच्चों आपको कविता अभी लास्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। लास्ट ईयर में एक कविता थी बच्चों, वो आप लोगों को याद होगी अभी तक। कौन सी कविता थी? कविता का लास्ट ईयर में पढ़ा था आप लोगों ने, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे। ऐसी कविता आपको लास्ट ईयर में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो बच्चों का जवाब होगा यस आई लर्न, वो लास्ट ईयर ही पढ़े थे। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम इट, तो हिंदी में भी एक कविता बच्चों, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये भी आप लोगों ने गीत को सुना है। तो ऐसी कविताएं हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत संदेश देती हैं हमको। तो ऐसी ये कविता जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा आपको क्या संदेश दे रही है उसको आपको शेयर करना है। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम इट, द मैसेज वी गेट इन आवर सेल्स, वी शैल ब्रेक थ्रू ऑल द हर्डल्स एंड मेक अस फ्री एंड लाइव इन पीस। या और आसान भाषा में आप बोल सकते हो, द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस पोएम दैट वी हैव सक्सेस इन आवर लाइफ रेस इफ यू हैव करेज एंड इंस्पायर। नाउ इन दिस वे यू कैन कंप्लीट चिट चैट, और भी इसके अलावा भी आप क्वेश्चन ले करके आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, आपको स्टार्टिंग में ये एक्टिविटी करना है। बच्चे हम लोग क्लास में तुम लोग ऐसा करते हो। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज, कुछ बच्चों की पसंद थी वे कहानियाँ, उनको प्रेरणादायक होती हैं, कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो दिस इज स्टोरी टाइम। तो बच्चों आप लोगों ने बचपन से बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, तो यहाँ हम आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता, आपको जीवन में सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है बच्चों, एक राजा था जिसका नाम था राजा उग्रसेन। वह बहुत ही बहादुर और साहसी राजा था। उसकी सेना बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन सीमित सेनाएं रखा था वो। वो बहुत खुशी से अपना राजभार चला रहा था। कुछ दिनों के बाद उसके पड़ोस के एक शक्तिशाली राजा जिसकी सेना बहुत विशाल थी, उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा उग्रसेन बहुत बहादुरी के साथ उससे लड़ा, लेकिन अंत में उसकी सेना पराजित हो गई, उसके सेनानी इधर उधर भागने लगे। जब राजा सोचा कि अब मैं बंदी बना लिया जाऊंगा, तो उसके डर से वह भाग गया और भाग करके एक गुफा में जा करके, पहाड़ी की गुफा में जाकर छिप गया। वहां बंदी बनाए जाने के डर से वह छुपा ही था कि अचानक उसको एक स्पाइडर मकड़ी दिखाई देती है। तो बोलता है कि ए मकड़ी, तुम भी डर के नाते आकर के गुफा में छुप गई हो। लेकिन देखता है कि वो मकड़ी जो है जाला बना करके ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है। तो कई बार प्रयास करने के बाद, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार उसने प्रयास किया और वह सफल नहीं हुई। तो राजा बोलता है, ए मकड़ी, छोटी सी मकड़ी, तुम्हारे बस की बात ये नहीं है, इसके ऊपर चढ़ाई कर लो या ऊपर चली जाओ। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती है और छठवें प्रयास में वो ऊपर पहुंच जाती है। तो राजा देखता है, उसको वहां से एक प्रेरणा मिलती है बच्चों कि ये छोटी सी मकड़ी जब ये इतने बड़े काम को कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से वह प्रेरणा, मकड़ी से प्रेरणा लेकर के जा करके फिर से अपनी सेना को तैयार करता है और राजा के साथ जिसने उसको पराजित किया था उससे घमासान युद्ध होता है और अंत में राजा उग्रसेन विजयी होता है। तो बच्चों
ये कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? अगर हम लोग प्रयास करेंगे, हमेशा प्रयासरत रहेंगे, तो कोई भी कठिन काम हम जो है कर सकते हैं, कोई भी असंभव चीज नहीं है। ये कविता, ये जो कहानी है बच्चों, ये हमारी कविता से मिलती है। तो इन दिस वे हम लोग इसको जो है उससे प्रेरणा लेकर के बहुत कुछ करने को आकर्षित होते हैं। अब नेक्स्ट, हाँ, इन द स्क्रीन यू आर शेयरिंग, आई एम शेयरिंग यू दिस स्क्रीन इन दिस, आपको कहा दिस इज आल्सो ग्रुप एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप ऑफ सिक्स ईच, एवरीवन फ्रॉम द ग्रुप शुड शेयर ओन एक्सपीरियंस आर सिचुएशन वेयर एट फर्स्ट ही सी एक्सपीरियंस फेल्योर बट आफ्टर कंटिन्यूअस एफर्ट्स अचीव सक्सेस। दिस इज, ये बच्चों जो है ग्रुप एक्टिविटी आपकी है, क्लास में आप लोग ऐसा स्टार्टिंग करते हो, आपको क्या करना है, छः छः बच्चों का एक ग्रुप तैयार करना है। उस ग्रुप में सभी बच्चे अपनी आइडियाज को, अपने जो विचार होंगे उसको शेयर करेंगे। वो किसके लिए शेयर करना है, क्या चीज़ शेयर करना है, वो आप अपने अनुसार कोई भी एक्टिविटी ले सकते हो। लेकिन यहाँ जो दिया गया है, आप किसी चीज़ में पहली बार प्रयास करते हो, किसी काम को करने के लिए आप पहली बार प्रयास करते हो और असफल हो जाते हो, फिर से हार्ड वर्किंग एंड ट्राई अगेन करके आपके अंदर पेशेंस के साथ फिर से आप मुकाबला करते हो तो उस काम में सफल हो जाते हो। इस तरह से छः छः के ग्रुप में प्रत्येक बच्चे अपनी आइडिया को शेयर करेंगे, उसमें सबको बोलना है, पार्टिसिपेट होना है। तो इन दिस वे जिसकी भी आइडिया जो है अच्छी होगी उसके लिए लास्ट में बी डिस्क्राइब विच एक्सपीरियंस शेयर्ड इन द ग्रुप इज द रिमार्केबल फिल द फ्लो चार्ट विद द स्टेप टेकन फॉर सक्सेस। तो ये फ्लो चार्ट बच्चों आपको तैयार करना है। जैसे पहली बार आप किसी एक्टिव, देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आर गिवेन, तो जो आपने आइडिया शेयर किया है उसमें आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे आपने पहली बार पार्टिसिपेट हुए किसी कार्यक्रम में, जैसे कोई बच्चा गेम की तैयारी कर रहा है, खो खो के लिए तैयारी कर रहा है, उसने पार्टिसिपेट हुआ उसमें, तो पहले आ जाएगा पार्टिसिपेट, फिर वो क्या होता है फेल्योर, वो फेल हो जाता है, उसमें असफल हो जाता है, तो सेकंड बॉक्स में आप फेल्योर कर सकते हो। फिर क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है, ट्राई अगेन करता है, यहाँ प्रैक्टिस ट्राई अगेन, और टेक द हेल्प ऑफ कोच एंड टीचर, एट लास्ट ही गेट सक्सेस। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो, आपने ट्राई किया, आप फेल हो गए, फिर आपने ट्राई अगेन, फिर से प्रयास किया विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कोच, एट लास्ट यू गेट सक्सेस। तो दीज आर द एक्टिविटीज फॉर यू इन द क्लासरूम। नाउ सी द इमेज, रीअरेंज एंड राइट द प्रॉपर लाइन नंबर्स फॉर ईच फ्रॉम दोज गिवन बिलो। डियर स्टूडेंट्स, सम इमेजेज आर गिवन हियर, हाउ मेनी इमेजेज आर देयर, काउंट करोगे आप, दे आर 1 2 3 4 5 6 इमेजेज। इस इमेजेज के लिए सम सेंटेंसेज, सम लाइन्स आर गिवेन, तो आपको नंबरिंग करना है। जैसे पहला सेंटेंस आप रीड करेंगे, द स्पाइडर क्लाइम्ड अगेन अ लिटिल हायर। फर्स्ट सेंटेंस इज द स्पाइडर क्लाइम्ड अगेन अ लिटिल हायर। पहले प्रयास में, मतलब पहले जो है मकड़ी थोड़ा ऊपर चढ़ती है, तो आपको बच्चों इमेज सी करके बताना है कौन सी इमेज का नंबर वन होगा। तो थर्ड इमेज देखिए, थर्ड इमेज इज मकड़ी उसमें थोड़ा ऊपर चढ़ी हुई है, थोड़ा हायर गई है, तो थर्ड इमेज के ऊपर आपको नंबर डालना है, नंबर वन। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, एट
It did not give up and climbed higher and higher. It did not give up and climbed higher and higher. यह जो है और थोड़ा ऊपर चढ़ जाती है और थोड़ा ऊपर पहुंच जाती है, चढ़ते चढ़ते थोड़ा और दीवार के ऊपर पहुंच जाती है। तो आपको इमेज को सी करना है तो आप देखिए पांचवी इमेज, फिफ्थ इमेज, दिस इज नंबर टू। नाउ थर्ड वन इज इट स्लिप्ड एंड फेल डाउन, यह फिसल करके गिर जाती है। थर्ड सेंटेंस इज इट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। तो आप देखिए सेकंड फिगर में वह स्लिप करके गिर गई है, तो सेकंड फिगर के ऊपर आपको नंबर थ्री डालना है। फोर्थ सेंटेंस, अ स्पाइडर बिगन टू क्लाइंब ए वॉल, फिर से वह चढ़ने का प्रयास कर रही है। फोर्थ सेंटेंस है तो फोर्थ के लिए आप देखिए फर्स्ट फिगर, पहली फिगर जो है उसमें मकड़ी फिर से चढ़ रही है, तो पहली पिक्चर के लिए आप फोर डालेंगे ऊपर, फोर्थ नंबर। फिफ्थ, फाइनली इट रीच्ड द टॉप, अंततः वह जो है टॉप पर पहुंच जाती है, एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो फिफ्थ के लिए लास्ट की फिगर आप देखिए, लास्ट फिगर इज फाइव नंबर। एंड सिक्स्थ वन इज इट फेल डाउन अगेन द सेकेंड टाइम, या फिर से गिर जाती है। छठे के लिए बच्चों आपको देखेंगे तो फिगर नंबर फोर, फोर इज सिक्स। इसको आपको एक क्रम में, दिए गए क्रम के अनुसार आपको अरेंज करना है, तो ये एक्टिविटी आप करेंगे। तो ये जो आपने फिगर दिखाया गया आपको, व्हाट इज मोरल ऑफ दिस फिगर, इससे क्या आपको सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है बच्चों? इफ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड। इफ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको करनी है, आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में या बुक में, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नाउ आई वांट टेल यू अबाउट द पोएम ट्राई अगेन। दिस इज ए पोएम रिटन बाय डब्ल्यू ई हिक्सन। दिस इज वेरी नाइस पोएम, यह कविता बहुत ही अच्छी है और आपको उपदेश भी देती है। जैसा कि आपने कई एग्जाम्पल पहले देखा वो सब प्रेरणादायक थे, तो ये कविता हमारी जैसी पोएम जो है ये भी आपको इंस्पायरिकल है। स्टूडेंट्स नाउ वी विल रीड द पोएम ट्राई अगेन। Tis a lesson you should hate, try again. Tis a lesson you should hate, try again. If at first you don't succeed, try again. If at first you don't succeed, try again. तो बच्चों ऐसा आप भी बोलोगे, क्योंकि रीडिंग स्किल आपको डेवलप करना है, सुनकर के बोलोगे। फिर से देखो, Tis a lesson you should hate, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer never fever, try again. तो सुर के साथ आपको बोलना है, फिर से सुन लीजिए। Tis a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer never fear, try again. Sorry, fear. In this way, आपको कविता बोलनी है। आगे next. Once or twice, though you should fail, try again. Once or twice, though you should fail, try again.
If you would at last prevail, try again. If you would at first prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What we do in this case, try again. बच्चों फिर से देखो. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. तो बच्चों इस तरह से आप भी पीछे पीछे पढ़ने का अभ्यास करेंगे. Next. If you find your task is hard, try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward, try again. Time will bring you your reward, try again. All that other folk can do, why with patience may not you? All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again. तो ये लास्ट थी बच्चों, इसको हम लोग अभी फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे पोयम को. Now I want to explain the meaning of the poem. See your book on the first slide. Yes. 'Tis a lesson you should heed. बच्चों यह पाठ पर हमें ध्यान देना है. यह पाठ जो है इसके ऊपर हमें ध्यान देना है. क्या ध्यान देना है? Try again. आपको प्रयास करना है, फिर से प्रयास करना है. इस पाठ में आपको क्या सीखना है? टिस लेसन. टिस क्या है बच्चों? इट इज. टिस का मतलब इट इज. टिस इज सर्टेन्ड फॉर्म ऑफ इट इज. टिस इज सर्टेन्ड फॉर्म ऑफ इट इज. टिस शब्द है वो जो इसका सर्टेन्ड फॉर्म किसका? इट इज. टिस का मतलब इट इज. It is a lesson you should heed. Heed का मतलब होता है pay attention, आपको ध्यान देना है. तो इस पाठ पर आपको ध्यान देना चाहिए. इस पाठ पर आपको क्या ध्यान चाहिए? ध्यान देना चाहिए. क्या ध्यान देना है? Try again. आपको प्रयास करना है. किसके लिए ध्यान देना है? प्रयास करने के लिए. If at first you don't succeed, if at first you don't, don't is contracted form of do not. Don't is contracted form of do not. अगर पहले प्रयास में आप सफल नहीं होते, सफल नहीं हुए मान लीजिए, पहले प्रयास में आप सफल नहीं हुए, तो उसके लिए आपको क्या सीख लेनी है? Try again. आपको फिर से उसको प्रयास करना है. कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में सफल हो जाओगे. तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको प्रयास जारी रखना है. Then your courage should appear. इसमें क्या होना चाहिए बच्चों? करेज आपका अपीयर होना चाहिए. करेज मतलब होता है साहस. करेज का मतलब साहस. courage. करेज. Should appear. अपीयर माने प्रकट होना. आपको अपना साहस जो है, हिम्मत जुटा करके प्रयास, साहस के साथ आपको प्रयास करना है. ट्राई अगेन एंड अगेन. तो आपको हिम्मत के साथ बार बार प्रयास करना है. फॉर इफ यू विल परसीवर, यू विल कांकर नेवर फियर. फॉर इफ यू विल परसीवर. परसीवर का मतलब होता है बच्चों लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयास करना.
जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप प्रयास करते रहो, पर सीवर। तो आप देख लीजिए प्रोनंसिएशन पर सीवर का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयास करना। तो आपको जो है करना होगा, लक्ष्य प्राप्त तक जो है प्रयास जारी करना होगा। यू विल कांकर नेवर फीवर। कांकर का मतलब बच्चों क्या होता है, जीतना, टू डिफीट। आपको जो है जीतना है होगा, नेवर फीवर, कभी डरना नहीं है। ट्राई अगेन, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। नेक्स्ट, आई हैव डिवाइडेड दिस पोएम इनटू थ्री पार्ट्स। वंस आर ट्वाइस दो यू शुड फेल। एक अथवा दो बार में आप फेल हो सकते हो। ट्राई अगेन, जरूरी नहीं कि एक ही प्रयास या दो प्रयास में आप सफल हो जाओ। सफल होना चाहिए ऐसा सोचोगे तो कोई जरूरी नहीं है। आप असफल भी हो गए तो ट्राई करके, ट्राई अगेन, यू कैन विन द रेस। इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, अगर बच्चों लास्ट में आपको प्रिवेल मतलब प्रभुत्व प्राप्त करना, आपको पराकाष्ठा पर एकदम ऊंचाई पर पहुंचना है किसी चीज के, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ट्राई अगेन, बार बार जो है प्रयास करना होगा। इफ वी स्ट्राइव इज नो डिसग्रेस। स्ट्राइव मतलब बच्चों स्ट्रगल, कड़ा संघर्ष करना, STRIVE, स्ट्राइव मतलब स्ट्रगल। अगर आप संघर्ष करते हो, इज नो डिसग्रेस। डिसग्रेस मतलब निराशा, अपमान, आपको आप में ये सब भाव नहीं होने चाहिए, निराशा नहीं है, आपके अपमानित नहीं महसूस कर रहे हो, तो आप जो है कोई रेस नहीं भी जीतने वाले हो। दो वी डू नॉट विन द रेस, यद्यपि आप इस दौड़ को नहीं जीत सकते हो, तो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो उसका सबका एक ही रास्ता है बच्चों, ट्राई अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन। नेक्स्ट, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आपको लगता है कि आपका कार्य कठिन है, टास्क मतलब बच्चों कार्य, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आपको लगता है कि आपका कार्य बहुत कठिन है, ट्राई अगेन। मैंने बच्चों दो बार आपको लिख दिया ट्राई, पोयम में एक ही बार है ट्राई अगेन, तो मैंने थोड़ा और आपको उसके लिए प्रयास करना है, प्रयास करो। तो कोई भी चीज, कोई भी काम कठिन नहीं होता है बच्चों, प्रयास के द्वारा, हिम्मत के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। उचित समय आने पर आपको पुरस्कार, रिवार्ड मतलब पुरस्कार लाएगा आपके लिए। उचित समय आने पर आपने प्रयास किया है तो वह जरूर आपके लिए पुरस्कार लेकर आएगा। उसके लिए क्या करना होगा, ट्राई अगेन, आपको प्रयास करना होगा। All other folk can do. Folk मतलब होता है लोग। जो कार्य दूसरे लोग कर सकते हैं, All that other folks can do, why with patience may not you? Patience मतलब होता है बच्चों धैर्य। तो धैर्य के साथ आप उसको क्यों नहीं कर सकते हो? अगर ऐसी भावना आपके अंदर रहेगी कि दूसरे लोग वो काम को कर सकते हैं, तो उसको मैं क्यों नहीं कर सकता हूं,
ऐसा आप अगर अपने मन में रखोगे, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ऐसी प्रेरणा, ऐसा नजरिया, ऐसी राय अपने अंदर रखो और प्रयास करो, ट्राई अगेन, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको कविता के भाव को बताया। अभी इसमें इसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, वी हैव टू डू इंग्लिश वर्कशॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसके बारे में जानना है। इन द स्टार्टिंग द फॉलोइंग एनाग्राम्स कंटेन वर्ड्स फ्रेजेज फ्रॉम द पोएम, गेस एंड राइट व्हाट दे आर। ये जो एनाग्राम बच्चों देख रहे हो आप लोग, ये जो है शब्द या शब्दों का समूह है, कविता के शब्द जो हैं या शब्दों का, एक से ज्यादा शब्दों का समूह है, उसको आपको गेस करके लिखना है कि वो क्या है। द फॉलोइंग एनाग्राम्स कंटेन वर्ड्स फ्रेजेज फ्रॉम द पोएम, ये जो देख रहे हो आप, देयर आर सिक्स वर्ड्स, ये वर्ड जो है आपकी पोएम से ही हैं, लेकिन उनको आपको गेस करके वो शब्द बताना है कौन सा शब्द है। जैसे पहला देखिए, रेनी टैग, तो आप ध्यान से कविता में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये शब्द जो है ट्राई अगेन, क्या है बच्चों, ट्राई अगेन, उसी को लेटर को इधर उधर करके बनाया गया है। इसमें आपको कविता से गेस करना है। इसके लिए जब कविता को आप ज्यादा से ज्यादा रीड करोगे, उसको रिमेम्बर करोगे, उसके वर्ड आपके माइंड में रहेंगे, तो आप ये उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो बच्चों, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, सारे आंसर्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एक्टिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सेकेंड वन इज आवर केज, आवर केज, तो कविता में आपको जाना है और वहां से फाइंड आउट करना है कि ये वर्ड कौन सा है। कविता में से आपको फाइंड आउट करना है बच्चों कि आवर करेज कौन सा शब्द हो सकता है। तो ध्यान से देखोगे, इन द फर्स्ट पार्ट वर्ड है करेज, करेज, दिस करेज, करेज, हाँ, तो ये वर्ड आप अंडरलाइन कर सकते हो अपनी बुक में। थर्ड वन इज वेटसर, वेटसर इज वर्ड स्ट्राइव, वेटसर इज स्ट्राइव, थर्ड वन इज स्ट्राइव, एस टी आर आई वी, सेकेंड वन इज करेज, थर्ड वन इज वेटसर यानी स्ट्राइव, एस टी आर आई वी, आप नोट डाउन कर लीजिए या बुक में आप वो शब्द खोज करके आप अंडरलाइन कर लीजिए। चौथा है रेड रॉ, रेड रॉ, ध्यान से पढ़ोगे आप कविता में, खोजोगे तो वर्ड कौन सा होगा। चौथा रिवार्ड, आर ई डब्ल्यू ए आर डी, आर ई डब्ल्यू ए आर डी, आप पोएम में खोज करके वो अंडरलाइन करना है आपको। एंड फिफ्थ वन इज टैप नाइस, ये बच्चों पोएम का वर्ड है, पेशेंस, पी ए टी आई ई एन सी ई, पेशेंस, पोएम में आप देखोगे कि लास्ट में, लास्ट
थर्ड स्टेप है पेशेंस, एंड सिक्स्थ वन इज सर पियर। ये वर्ड आप वहां देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो है परसीवर, परसीवर। तो इन दिस वे आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आपने, मैं समझता हूं कि आप उसमें अंडरलाइन कर लिए होंगे वर्ड को, और एक्सरसाइज में आप करेंगे उसको। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, पिक आउट द लाइन्स दैट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। बच्चों ये क्या करना है, पिक आउट लाइन्स, वो लाइन आपको खोजनी है, वो पंक्तियां खोजनी है जो कि निम्नलिखित लाइनों के लिए, जो नीचे लाइनें लिखी गई हैं, जो सेंटेंस लिखे गए इनके लिए आया हुआ है। सेकंड का ए, इफ यू कीप ट्राइंग विदाउट अ डाउट यू शैल विन। इसके लिए कौन सी लाइन आई हुई है आपके पोयम में, तो आप पढ़ोगे फॉर इफ यू विल परसीवर यू विल कांकर। वहां आप अंडरलाइन कर लीजिए। सेकेंड वन इज इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड, इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड। अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो उसके लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना है। इसके लिए कौन सी लाइन आई हुई है बच्चों, स्ट्रगल के लिए मैंने शब्द बताया था आपको स्ट्राइव, इफ वी स्ट्राइव इज नो डिसग्रेस। ये वर्ड आपको वहां से मिलेगा, तो आप वहां अंडरलाइन कर दीजिए। थर्ड वन इज व्हेन अदर्स कैन डू द वर्क सो कैन यू इफ यू कीप ट्राइंग पेशेंटली। इसके लिए कौन सी लाइन है बच्चों, ऑल दैट अदर फोक कैन डू व्हाई विद पेशेंस मे नॉट यू। तो आप अंडरलाइन करके वहां से लिख सकते हो। एंड डी, सेकेंड का डी, व्हेन यू फेल इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट मेक अनदर वन। इसके लिए कौन सी लाइन, अगर आप पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या आया हुआ है बच्चों पोयम में, आप पढ़ोगे वहां अगर कविता को, वंस आर ट्वाइस दो यू शुड फेल ट्राई अगेन। इसके लिए ये लाइन आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके लिए बच्चों जब ज्यादा से ज्यादा आप कविता को पढ़ोगे, उसको अपने दिमाग में रखोगे, तो ये सब आप कर सकते हो। नाउ थर्ड वन इज फाइंड फ्रॉम द पोयम द एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका एंटोनिम्स यानी अपोजिट, विरुद्धार्थी बच्चों जिसको कहते हैं, एंटोनिम्स अपोजिट सेम है, इसका मतलब विरुद्धार्थी लिखना है, उल्टा अर्थ वाला, जैसे डे का नाइट, ब्लैक का व्हाइट, तो ऐसे ही आपको इन शब्दों का अपोजिट वर्ड लिखना है। पहला वर्ड है सक्सीड, सक्सीड का अर्थ होता है बच्चों सफलता से है, इसका अपोजिट आपको मिलेगा फेल, सक्सीड का क्या होगा फेल। एक एग्जाम्पल मैंने एक लिख दिया है, उसके बाद बाकी आपको लिखना है, फिलअप करना है। सेकंड है पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब बच्चों सजा देना, सजा देने का आप कविता में देखोगे उसके लिए कौन सा शब्द आया हुआ है, रिवार्ड, पुरस्कार। पनिशमेंट का अपोजिट क्या होगा, रिवार्ड, आर ई डब्ल्यू ए आर डी, आर ई डब्ल्यू ए आर डी। थर्ड वन इज करेज, अपोजिट ऑफ करेज इज, करेज मतलब साहस, साहसी, साहस, और उसका अपोजिट क्या होगा, भयभीत। तो भयभीत के लिए बच्चों शब्द आया हुआ फियर, एफ ई ए आर, तो करेज का अपोजिट क्या होगा, फियर, एफ ई ए आर। स्टॉप आर क्विट, इसके लिए अपोजिट वर्ड अपनी कविता में आया हुआ है परसीवर, परसीवर, तो कविता से ही वर्ड खोज करके आपको लिखना है।
Fifth one is लूज. लूज का अपोजिट क्या होगा बच्चों? लूज का मतलब जानते हो, हार जाते हो जब आप, तो उसको लूज बोलते हैं. उसका अपोजिट वर्ड होगा विन. क्या होगा? विन, डब्ल्यू आई एन, विन. तो इस तरह से आपको अपोजिट फिलअप करना है. मैं समझता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे. विरुद्धार्थी शब्द क्या है, अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स. नाउ फोर्थ वन इज आंसर इन योर ओन वर्ड्स. बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है. कविता से पढ़ी हुई लाइनों के आधार पर आपको प्रश्नोत्तर लिखना है. पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड. व्हाट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड. इन द फर्स्ट स्टेप टीच ए लेसन यू शुड हीट ट्राई अगेन दिया गया है. पहली लाइन देखेंगे आप कविता में तो आपको मिलेगा इसका आंसर. तो आप लिख सकते हो यू शुड ट्राई अगेन टू गेट सक्सेस. दिस लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड. What lesson should be kept always in mind? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? You should try again to get success. You should try again to get success. Fourth का भी, what should someone who loses a race do? अगर कोई दौड़ हार जाता है उसे क्या करना चाहिए? आप बता सकते हो कविता के आधार पर उसके लिए क्या होगा, क्या करना चाहिए हमको. यहाँ कविता के अकॉर्डिंग जो है सबका सोल्यूशन जो है ट्राई अगेन. व्हाट शुड, तो क्या करना चाहिए? समवन शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टू विन द रेस. व्हाट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस. What quality is important? कौन सा क्वालिटी आपके अंदर, कौन से गुणधर्म आप में होने चाहिए when you are struggling for success? जब आप सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो आप अपने शब्दों में आपको क्या होना चाहिए? आपके अंदर keep patience होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, courage, and try again and अगेन फॉर सक्सेस. इस तरह से आप अपने वर्डों में कविता के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो. When can success have a greater value? When you get it easily or with difficulty? तो बच्चों आपको सफलता कब अच्छी लगती है, कब ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, ज्यादा वैल्यूएबल लगती है? जब आप उसको आसानी से पा जाते हो या कठिनाई के साथ, डिफिकल्टी के साथ आपको मिलता है, तो आपकी ओपिनियन होगी. तो ज्यादातर बच्चे उसमें डिफिकल्टी से जो सफलता मिलती है उसको ज्यादा उनको महत्वपूर्ण लगती है. तो व्हेन वी गेट द सक्सेस विथ डिफिकल्टी, फॉर सक्सेस दिस इज ग्रेटर वैल्यूएबल. तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं अपने वर्ड में. आप नोट डाउन करेंगे. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज रीड द पोएम एंड फिल इन द वेब चूजिंग पॉइंट्स फ्रॉम इट. देखिए यहाँ कुछ चार्ट बना हुआ है. बीच में देखिए व्हाट लीड्स टू सक्सेस, मतलब सफलता आपको पानी है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा. कविता में जो जो चीजें आई हुई हैं सफलता पाने के लिए उसको आपको खोजना है. तो आपको मैंने फिलअप करके दिया है. ट्राई अगेन उसके लिए, सफलता के लिए पेशेंस, स्ट्राइविंग, परसिवरेंस, करेज. तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं.
Now, last one is, most lines from the poem can serve as a truth or a proverb. बहुत सारी कविता में ऐसी लाइनें आई हुई हैं बच्चों, जो कि सत्य कथन या कहावतों के रूप में उनका प्रयोग किया गया है, जो कि हमेशा अपने लाइफ में उसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो आपको खोजना है वो लाइनें कौन सी हैं जो कि हमें प्रेरणा देती हैं, जिनका उपयोग हम जीवन में कर सकते हैं, वो कहावत या सत्य कथन कौन से हैं। तो पहला है, आप उसमें से खोज करके लिख सकते हैं, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, मैंने एक आपको लिख करके दिया है। दूसरा भी आप खोजेंगे उसमें से, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड सो बी पेशेंट, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, यू कैन राइट ऑल द आंसर्स। नेक्स्ट, नाउ नाउ आई गिव यू असाइनमेंट बच्चों, फर्स्ट इज लर्न द पोएम, आपको कविता जो है सीखना है, उसको पढ़ना है और उसको याद करना है। राइट डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, पोएम में जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए हुए हैं की वर्ड मीनिंग लिखो आप। कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप, जो भी मैंने आपको भी बताया उसको आपको फिलअप करना है और उसको पढ़ना है। नाउ इन दिस वे हमारा ये समाप्त हुआ। अभी आप बच्चों, आपकी कोई समस्या है, आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हो।